नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MITM अटैक। तो इस अटैक के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कोई व्यक्ति है जो कि दो लोगों के बीच में है, तो उसको बोला गया मैन इन द मिडल, ठीक है। दो लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको यही बोला जाएगा ना कि दो लोगों के मध्य में है, बीच में, मिडल में, तो उस अटैक को हम क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। तो इसको पढ़ते हैं हम, अच्छे से क्लियर होगा। अ मैन इन द मिडल MITM अटैक ओकर्स व्हेन अ मलिशियस एक्टर इंटरसेप्ट और पॉसिबली अल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज। तो जब मैन इन द मिडल अटैक कब होता है, जब एक मलिशियस एक्टर, एक हानिकारक एक्टर, एक हानिकारक अभिनेता, यहाँ पर हानिकारक अभिनेता किसको दर्शाया गया है, एक अटैकर को, एक हमलावर को, इंटरसेप्ट करता है, रुकावट पैदा करता है, या फिर पॉसिबली अल्टर, संभवतः बदलाव करता है, अल्टर करता है, चेंज करता है कम्युनिकेशन में दो पार्टीज के बीच में। तो दो पक्षों के बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई संचार हो रहा है, तो उसको पॉसिबली संभवतः अल्टर करना, बदलाव करना या इंटरसेप्ट करना, रुकावट पैदा करना एक हानिकारक एक्टर अभिनेता के द्वारा, तो उस अटैक को हम क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। और जो ये किया जाता है मैन इन द मिडल अटैक, ये विदाउट देयर नॉलेज, जो दो पार्टीज हैं, जो दो पक्ष हैं, उनकी नॉलेज, उनके जानकारी के बिना इस अटैक को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा जो व्यक्ति है बिना उनकी जानकारी के उनकी बातों को क्या कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है, उनको अल्टर कर रहा है, उनको चेंज कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। द अटैकर कैन ईवड्रॉप ऑन द कम्युनिकेशन और इवन इंपर्सनेट वन और बोथ पार्टीज। तो जो अटैकर, जो हमलावर होगा, वो ईवड्रॉप करेगा। ईवड्रॉप का क्या मतलब है, छुपकर बातें सुनेगा ऑन द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हो रहा है बीच में, दो पार्टीज, दो पक्षों के बीच में, एंड इवन इंपर्सनेट वन और बोथ पार्टीज इन्वॉल्व्ड। और यहां तक कि वो इंपर्सनेट कर सकता है, भेष बदल सकता है एक पार्टी का या फिर दोनों पार्टी का भी, ठीक है। यहां पर जो बात हो रही है दोनों पक्षों के बीच में, आमने सामने नहीं है वो दोनों पक्ष, आमने सामने नहीं है, वो कॉल पे है या फिर किसी मैसेज के थ्रू कॉल कर बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, भेष बदल सकता है। आमने सामने होगा तो क्या ही भेष बदलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब इसको देखते हैं, तो इस चित्र से समझते हैं मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, ठीक है, इस फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर दो पार्टीज है हमारे पास, एक यूजर है, उपयोगकर्ता है, एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। दो पार्टीज के बीच में जब तीसरा व्यक्ति आ जाए, दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाए, तभी इसको क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडल, ठीक है। तो ये आ गया मैन इन द मिडल। ये क्या है, पर्पेट्रेटर। पर्पेट्रेटर क्या होता है, अपराधी, क्रिमिनल, ठीक है। तो ये क्या, अटैकर है, ये इन दोनों के बीच में आ गया। जब ओरिजिनल कनेक्शन बनेगा दो लोगों के बीच में, अगर वो बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल कनेक्शन ये रहेगा, ठीक है। लेकिन पर्पेट्रेटर के आने से, अपराधी के आने से, अटैकर के आने से जो कनेक्शन है वो इस तरीके से रहेगा, यूजर का कनेक्शन इससे रहेगा और जो वेबसाइट का कनेक्शन है इससे रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में रहेगा वो, इन दोनों की बातें सुनेगा, इन दोनों पर नजर रखेगा, क्लियर है बात। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इसके थ्रू होके जाएगी। तो ये क्या कर सकता है, इसका रूप भी ले सकता है, इसका वेश धारण कर सकता है, इसके लिए, इस वेबसाइट के लिए इसका वेश धारण कर सकता है, और इस व्यक्ति के लिए, इस उपयोगकर्ता के लिए इस वेबसाइट का वेश धारण कर सकता है, ठीक है। और इसमें रुकावट भी पैदा कर सकता है जो इनका कनेक्शन हो रहा है, क्लियर है बात। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं मैन इन द मिडल अटैक को, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इमेजिन यू आर यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई एट अ कैफे टू कनेक्ट टू योर बैंक वेबसाइट। तो कल्पना कीजिए कि आप एक कैफे में बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं आप कैफे में बैठकर, वहां पर एक पब्लिक वाईफाई लगा हुआ है जिससे आप आपने कनेक्ट कर रखा अपने डिवाइस को, और आप कहां जा रहे हैं, अपने बैंक की वेबसाइट पर जा रहे हैं, ठीक है, बैंक की वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। एन अटैकर ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क। अटैकर है, जो हमलावर है, वो भी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। इंटरसेप्ट्स द ट्रैफिक बिटवीन यूअर डिवाइस एंड बैंक सर्वर। तो जो अटैकर है, जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा आपके ट्रैफिक में, आपका जो फ्लो ऑफ डेटा है आपके डिवाइस के बीच में और बैंक सर्वर के बीच में, ठीक है, उसमें रुकावट पैदा करेगा। दे कैन स्टील यूर लॉग इन क्रेडेंशियल्स। तो वो उसके, आपके जो लॉग इन क्रेडेंशियल्स है उसको चोरी कर सकता है जो अटैकर है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स मतलब क्या है, क्रेडेंशियल मतलब प्रमाण पत्र या परिचय पत्र, ठीक है। एक्सेस यूर अकाउंट, परिचय पत्र मतलब या लाइक यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, ठीक है। एक्सेस यूर अकाउंट, आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसको एक्सेस कर सकता है। मैनिपुलेट द इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन यू एंड
बैंक विदाउट योर नॉलेज, तो जो आप बैंक सर्वर से कनेक्ट कर रखे हो तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, बदल सकता है आपके और आपके बैंक अकाउंट के बीच में आपकी नॉलेज के बिना, ठीक है, आपकी जानकारी के बिना उसको इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो मैन इन द मिडल है। दिस अलाउज द अटैकर टू कैरी आउट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इस अटैक की मदद से, मैन इन द मिडल अटैक की मदद से जो अटैकर है उसको अनुमति मिल जाती है, ठीक है, कि वो अपनी जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, जो धोखाधड़ी वाली, धोखाधड़ी पूर्ण जो उसकी ट्रांजेक्शन है, उनको कैरी कर सके, उसको पूरा कर सके एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और जो हमारी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो संवेदनशील जानकारी है, यूजर नेम पासवर्ड है और कोई बैंक डिटेल्स है, उनको एक्सेस प्राप्त कर सके अनधिकृत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से, ठीक है, उसको अधिकार नहीं है प्राप्त करने का, लेकिन वो क्या अटैक करके उसकी जानकारी को, उसकी जानकारी तक एक्सेस कर सकता है, पहुंच सकता है अनधिकृत तरीके से, उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकता है, गेन कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल था मैन इन द मिडल अटैक का। तो हमने अच्छे से डेफिनेशन देखी, चित्र देखा, फिगर देखा, उससे समझा मैन इन द मिडल अटैक को, रियल लाइफ एग्जांपल देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।